परेशान है। अभी कमरा खाली होया पड़ा, दरारें आई पड़ी हैं, सारा खिला पड़ा। चूहों ने इतने बिल बना दिए हैं कि अब तो लोगों की जो दीवारें थी वो नीचे बैठ गई। देखना भी खींच के दिखाना है कितनी गंदगी है यहाँ पे। कोई भूला भटका अधिकारी आ जाता है जब यहाँ कोई बाढ़ की स्थिति होती है। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज आलम, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज हम देहरादून स्मार्ट सिटी के हालात आपको दिखाएंगे कि देहरादून स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, काम जोरों पर है, लेकिन मलिन मस्तियों के क्या हाल है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं, आंखों देखा हाल। तो हम पहुंच चुके हैं मलिन बस्ती। जी हाँ, हम उन मलिन बस्तियों में पहुंच चुके हैं जहां नहर किनारे पुश्ते चटक गए हैं, दरारें आ गई हैं, फट गए हैं। तो मैं अपने कैमरामैन इमरान से चाहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि क्या हालात हैं, ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। मैं इमरान से कहूँगा कि लगातार वो शॉट्स दिखाएं कि जो पुश्तों में दरारें आ गई हैं, कभी भी जान को खतरा है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। यहाँ मलिन बस्तियों में कोई अधिकारी, डीएम कोई आता है, प्रशासन का कोई अधिकारी? अभी तक तो कोई नहीं आया, जबकि पहले से ये मालूम था कि अब की बार बारिश जो है वो उत्तराखंड के अंदर बहुत देर से शुरू हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्य नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे तो जब कोई भूला भटका अधिकारी आ जाता है, जब यहाँ कोई बाढ़ की स्थिति होती है या कोई आपदा की स्थिति होती है, जब कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नगर निगम के अधिकारी या जिलाधिकारी के यहाँ से कोई अधिकारी आ जाता है, वरना कोई अभी तक नहीं आया। इतनी गंदगी, इतनी बदबू थी यहाँ पे कि आपको मैं बता नहीं सकती। जब बारिश का पानी आया उसी से जो है ये नदियाँ साफ हुई। क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कतें लोगों को होती हैं, क्या रात को सोने में डर लगता है कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए? हादसा हुआ है यहाँ पे। अब लोगों के जो यहाँ पे इस कदर के चूहे हो रहे हैं, उन चूहों ने इतने बिल बना दिए हैं कि अब वो बारिश जो पहली आई है, बारिश के पानी के आने से के बाद में वहाँ पे पानी घुसा तो लोगों की जो दीवारें थी वो नीचे बैठ गई। अब आप ये बताइए कि अपना दुख किसको रोए, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी बस्ती यहाँ को जब बरसात शुरू होती है तो यहाँ सारे अपनी आँखों में काटते हैं, ये दहशत रहती है कि कब पुश्ता टूट जाए और कब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों की जान और माल का दोनों का खतरा है। भैया हमारे सारे घर खिले खड़े हैं, रात को सोने की बहुत परेशानी है। हर साल जिस टाइम पर बरसात होती है हर साल का यही होता है, मगर कुछ सुनवाई नहीं होती किसी तरह भी, कुछ वो नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। अब भी कमरा खाली होया पड़ा और दरारें आई पड़ी हैं, सारा खिला पड़ा है और आदमी भी नहीं है मेरा, तो मेरे बच्चे ही हैं। अब हम कैसे करें? आते हैं और कहते हैं जाल डलवाने को कहा था, जाल को भी मना कर दिया पिछले साल कहा था, और अब भी देख देख के चले जा रहा। अभी तो कुछ नहीं सहूलियत हो रही हमारे लिए। कोई काम नहीं होता यहाँ पर जो होना चाहिए स्मार्ट सिटी के तरीके से, है ना। सारे काम टेम्परेरी हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अभी आप इसका हाल देखो, हमारे यहाँ उधर जाओ रोड, पूरे देहरादून में रोड बन गया है, हमारे यहाँ कहीं रोड नहीं बना है। हमारा पार्षद है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसके कान पे जू नहीं रेंगती। अपने पास में तो गली मोहल्लों में काम कराता है, रोड के लिए जाओ तो मेरे अंडर में नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ नहीं है कहने वाली बात। देहरादून एक स्मार्ट सिटी होने जा रहा है जो पूरा कार्य पूरा लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन मलिन बस्तियों में जो हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का क्या लापरवाही रही कि उधर कुछ काम नहीं हो पाया? देखिए देहरादून सिटी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। परंतु जैसा कि आप मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोगों ने नदी के बिल्कुल किनारे मकान बना रखे हैं, कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं भी एक मलिन बस्ती में रहती हूँ, पुश्ते बनाए गए हैं, पुश्तों के ऊपर लोगों ने मकान बना लिए हैं जिसके कारण उनके घरों में पानी भर रहा है। और कुछ हमारे अधिकारियों की भी लापरवाही है जिसके कारण ऐसी स्थिति बारिशों में आ जाती है कि जब वो अतिक्रमण करते हैं तो उस समय वो अधिकारी देखते नहीं हैं कि कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, अपनी सांठगांठ कर लेते हैं। और जो ये लापरवाह अधिकारी है, माननीय महापौर से इसमें बात की जा रही है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे और जल्दी ही
ऐसे जो अधिकारी है जो स्मार्ट सिटी के काम में अनदेखी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाएंगे और हमारी सरकार ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। यहाँ पे सफाई सुफाई नहीं होती, यहाँ सड़कों में झाड़ू भी नहीं लगाते, ये पुल पे देखना भी खींच के दिखाना है कितनी गंदगी है यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो गलत है, जैसे जानवर जुनवर बांध देते हैं, जब वो भी गलत है, जो ईमानदारी की बात है। वो पुल में तंगी होती है, ट्रैफिक का जाम हो जाता है। हमने आपको दिखाया देहरादून स्मार्ट सिटी की मलिन बस्तियों का हाल। इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। अब मुझे और मेरे कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।